हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं घर बहन के घर से आ गई हूँ। अभी इवनिंग हो गया, 7 बज गया, तो वहाँ से आते आते शाम हो गए, बहुत देर हो गया। और आते ही फ्रेंड्स, घर की हालत इतना ख़राब है मत पूछिए। और आदमी नहीं रहने से क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा, इतना ख़राब स्मेल कर रहा है। तो मैंने आते ही इसमें आग जला दिया है। आग जला देने से क्या होता है फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव वाइब्स एक आता है, इसलिए मैंने आग जला दिया। और धुना जला रही हूँ घर को, सब मतलब ऐसे धुआं कर रहा है तो मतलब अच्छा लगता है। यहाँ पे आते ही मैंने इस तरह से आग जला दिया। और यहाँ पे हस्बैंड ने तोड़ के रखा है ये बनाना फ्लावर कोल्डिल, और यहाँ पे आम भी तोड़ के रखा है। पूरा धुआं धुआं हो रहा है रूम, इस तरह से धुआं दे रहा है। धुना 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 बोलते हैं, धुना दे रहे हैं, धुआं दे रहे हैं हम लोग। और कपड़ा सबको इस तरह से सुखा के रखा है, बारिश के दिनों में बहुत कपड़ा भीगा हुआ है, धूप देने का नाम ही नहीं ले रहा है पूरा। रुको ना, रुको एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल रात को ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर पाए तो आज सवेरे ब्लॉग स्टार्ट किया। फिर फ्रेंड्स देखिए मौसम का हाल, पूरा बारिश दे रहा है। बारिश देने की वजह से पूरा जगह लोग भी गंदा गंदा हो गया, तो इसको मैं साफ़ सफाई करूँगी। घर में बहुत दिन नहीं था तो और भी घर का हालत ख़राब है। तो हम लोगों ने आग भी जला दिया, बारिश बहुत देर है, तो सोचा कि आग में जला के आज बनाते हैं अंडा करी। अंडा करी बनाएगा और मीट भी है, मीट भी बनाएगा। ये बेटी के लिए अंडा बॉईल किया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत सारा आम गिरा हुआ है, पक गया हम लोग, इससे मैं उठा के अभी काट के खाना पड़ेगा। बहुत सारा आम है, कितना खाएगा, आम ही आम। आम की बहार लग गई है। किंग चिली जो पूरा मर गया, इसको उठा के हटा दिया। और यहाँ पे छोटा छोटा ये मिर्ची लोग है, ये बहुत ताजा होता है, टेस्टी होता है। आज इसे खाना पड़ेगा, इसको तोड़ के लेके जाती हूँ। हमेशा किंग चिली भी खा के अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा चेंज करके भी खाना चाहिए। घर में है तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हाँ ओको, ये हो जाएगा। ओ तपा को उठी सके देखो। और यहाँ से एक आम का बड़ा वाला डाल एक ठो मतलब ब्रांच एक तो गिर गया, गिरने की वजह से यहाँ पपीता का पेड़ पे नुकसान हो गया, पूरा टूट गया। ये मतलब पत्ता लोग ओनली टूटा है, फल लोग तो सही सलामत बच गया वहाँ पर भी। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ये जो पपीता का पेड़ है वो ऊपर वाला पोर्शन जो सड़ गया था, तो हम लोगों ने सोचा था मतलब इसको काट देगा, लेकिन बहुत अच्छा काम किया, इसको नहीं काटा। तो यहाँ से मतलब साइड साइड से ऐसे टहनियाँ मतलब ब्रांचेस निकल के यहाँ पर भी बहुत सारा फल लग रहा है फ्रेंड्स देखिए। मतलब इसी का फ़ायदा है, इसे अगर काटता तो इसे लॉस हो जाता है, पूरा नीचे से लगेगा भी, फिर यहाँ से फूल खिल रहे हैं। ऊपर वाला पोर्शन लेकिन पूरा सड़ गया था। क्या जाओ, गो शो, जा जा जा। बेटी के लिए निकाल के रख दूंगी, उसके बाद मिर्ची लगाऊंगी। बेटी स्पाइस तो नहीं खा सकती, छोटी बच्ची है कैसे खाएगी, इसीलिए इसके लिए निकाल के इस तरह से रखती हूँ। कि और यहाँ पे मैं डाल दूंगी एक किंग चिली,
पापा के साथ। ठीक है पापा और तुम खाओ, ठीक है ना। एक ही थाली में पापा और बेटी को परोस दिया है, गरम है ना। उफ 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 कर दाना, उफ 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 उफ। फ्रेंड्स अभी नहा के आ गई हूँ, अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे एक करी है और पोर्क का भी आइटम लिया है, पोर्क को रोस्ट करके मिर्ची के इसका साथ मिक्स कर दिया है। बहुत स्पाइसी हो गई है। मुझे ये मिट्टी पोषण ज़्यादा अच्छा लगता है।